इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, एक दिन उनके मन में आया कि कुछ कौतुक होना चाहिए, तो बोले भी हरियाणा में अपनी सरकार होनी चाहिए। तो भजन लाल जी को मुख्यमंत्री थे, उनको टाइट किया गया। तो भजन लाल जी ने कहा भाई आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए ना, मैं ही कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाता हूं, साइन बोर्ड ही तो बदलना है। अगली सुबह लोग सो के उठे, वो कांग्रेस की सरकार हो गई प्रदेश में। ऐसी बातें लोग पंजाब के लिए भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानता सही गलत कुछ भी भैया, मेरे गलत मत पढ़ना, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं तकी साहब क्या, कि जैसा हरियाणा में इंदिरा जी के समय में हुआ था ऐसा कहीं पंजाब में ना हो जाए। भगवान जाने क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता तो है नहीं। खैर रत्नाकर जी, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता महाराष्ट्र के, और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पहले उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने आज दो तीन बड़ी बातें कही, उसमें आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अपना घर नहीं संभाल पाए, शरद पवार अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योग्य लोगों को किनारे लगाया, जिसका परिणाम है ये। इसमें भाजपा ने ये गड़बड़ घोटाला किया ऐसा नहीं बोले वो रत्नाकर जी? देखिए किसी भी पार्टी को टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, और कारण उसमें जो पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा है वो उसमें से एक कारण वो भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण जो उसमें नजर आया वो यही था अमिताभ जी, कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति पूरे देश में फैला रखी है उसी राजनीति का एक जो है भाई, इससे बड़ी अभी तो भाजपा उतनी सीख नहीं पाई जितना आपने कर दिया। रात में सोए भजन लाल दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री और सुबह उठे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इतना तो अभी सीख नहीं पाई भाजपा जितना आप करके छोड़ चुके हो। राजनीति में दूसरे पार्टियों की आपत्ति, मतलब आपकी आपत्ति जो आती है पार्टी में वो हमारी संपत्ति होती है, ये राजनीति में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको अलग कर दिया है। आपकी आपत्ति हमारी संपत्ति नहीं करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बड़ी हुई संपत्ति, मतलब बीजेपी की बड़ी हुई संपत्ति, वो दूसरी पार्टियों के लिए आपत्ति का एक सबब बन गया है। पहले राजनीतिक पार्टियां टूटती थी अमिताभ जी, लेकिन वो किस कारण से टूटती थी, कोई ना कोई राजनीतिक कारण होता था, कोई ना कोई सामाजिक कारण होता था। आज पार्टियां टूट रही है, चाहे एनसीपी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे शिवसेना का उदाहरण ले लीजिए, आज पार्टियां मैं रत्नाकर सिंह को एक चीज और याद दिला, रुक जाओ भाई अब रुक जाओ, रत्नाकर सिंह को एक बात और याद दिला दूं, इतिहास से सीखेंगे। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहा इंदिरा गांधी, नेहरू जी दूसरी विधा के व्यक्ति थे, उनके समय राजनीति इतनी ये घोरमाटा थी भी नहीं, इंदिरा गांधी बहुत दूसरे किस्म की राजनेता थी। बता देता हूँ दो उदाहरण मैंने, एक तो दे दिया हरियाणा वाला रातों रात, अभी तो मोदी की भाजपा उतना करिश्मा सीख नहीं पाई कि एक रात में ऐसा कर दे, इनको भी कई महीने लगते हैं अगर करते भी होंगे। उन्होंने राम सुंदर दास को भी फोन किया था इंदिरा गांधी ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, सुनिए रत्नाकर जी आगे काम आएगा ये प्रसंग, क्या बोले, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, हो जाइए तो सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। उन्होंने कहा सरकार बर्खास्त हो जाए मैं स्वागत करूंगा, क्या आदमी में रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी अपनी नहीं, दोष दूसरे को दे रहे गिर पड़ो, तो जब रीढ़ की हड्डी है ही नहीं तो चलोगे कैसे। भजन लाल में नहीं थी, वो कांग्रेस ही हो गए रात में, रामचंद्र दास में थी, उन्होंने ठेका दिखा दिया इंदिरा गांधी को, मैं तो बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण सामने रख दिया ना, इससे बड़ा उदाहरण ही नहीं हो सकता। कल को भगवंत मान, एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, बोर्ड लगा ले भाजपा, ये क्या कर लेंगे, मोहम्मद तकी और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग बस में बैठ के जाए पंजाब, तो क्या कर लेंगे, उठा गिरफ्तारी और करा देंगे। तकी साहब गलत तो नहीं कह रहा भैया, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, बोले जी विधायक दल ही बदल गया, पार्टी बदल गई, बात खत्म, ऑफिस पर नई पार्टी का नाम लिख दिया जैसे भजन लाल जी ने लिखा था। रत्नाकर जी, विपक्ष के दलों के बीच में जब आपस में ही अविश्वास की इतनी गहरी खाई है कि हर दल दूसरे दल को भाजपा का एजेंट बता रहा है तर्कों के साथ, तो जनता फिर उन पर भरोसा क्यों करे भाई, जब सब दल एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बता रहे हो, भाजपा की बी टीम बता रहे हो, तो इसका मतलब आपस में भरोसा नहीं आप लोगों को, लैक ऑफ ट्रस्ट है। रत्नाकर भाई देखिए अमिताभ जी, कहीं ना कहीं देश में बहुत सारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, और जरूरी नहीं कि हर लोकतांत्रिक पार्टी जो है इस महागठबंधन जो हम बनाने जा रहे हैं उस महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हमारे साथ आएंगी जो 2024 का चुनाव लड़ेंगी और जनता का सहयोग और समर्थन उनके साथ रहेगा, जिस तरह से कर्नाटका में भी आपने देखा कि बार बार जोड़ तोड़ की राजनीति से, बार बार जो है हिंदुत्व के खतरे की राजनीति से जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे दिगर जो है जनता ने वहां पे कांग्रेस पार्टी को जिताया, इसलिए जिताया
कि जो है लोग आम जनता की जो परेशानियां हैं वो जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जब गए थे अभी हाल ही में, जब उनसे सवाल पूछा गया अमिताभ जी कि लोकतंत्र कितना सुरक्षित है आपके देश में, तो 14 बार लोकतंत्र शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, सिर्फ ये विश्वास जताने के लिए कि हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। नहीं करना चाहिए था इस्तेमाल किया था शब्द का। अब सुन नहीं पाएंगे आप, अब आप सुन लीजिए, पूरी कर लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा जी, सुनने का भी। हाँ, 14 बार उन्होंने कहा लोकतंत्र को और विश्वास दिलाया कि जो है भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे कितना लोकतंत्र सुरक्षित है, ये जो पार्टियां टूट रही हैं, जो दल एक दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, ये यहाँ की जनता देख रही है और समझ रही है। यही शिवसेना है, 16 MLA की सदस्यता का अभी स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कहा है कि आप एक विदिन टाइम फ्रेम आप उसका डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन पेंडिंग है। मालूम है इनको कि डिसीजन अगर ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, और यही खतरे को देखते हुए उन्हें एनसीपी को 2 बार करके अजीत पवार को साथ में लिया। रुकना होगा रत्नाकर सिंह, अब रुकना होगा, आगे बात मैं समझ नहीं पा रहा। ये हास्यास्पद बात करते हैं, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी 16 बार नाम लोकतंत्र का क्यों लिया? अगर वो मुख्य सवाल खारिज कर देते तो कहते बोले नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी। गजब करते हो, बोले आटा गूंथने पे हिलती क्यों हो? ये ऐसा व्यवहार मत करिए, इससे आपकी हंसी बनती है पार्टी की। अजब बात है, कोई सेंसिबल बात तो बोलो मित्र। बोले लोकतंत्र का नाम उन्होंने 14 बार क्यों लिया? अगर 12 बार लेते तो ठीक था। किसी बात करते हो यार, गजब करते हो। राहुल गांधी वाले वाले बोल के आए, वो आपको ठीक लगा? भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री है, वो भाजपा का ही नहीं है, वो कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री है। आपको अच्छा लगे तो भी है और ना लगे तो भी है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपने लिए भारत का अलग प्रधानमंत्री चुनेगी, नहीं ना? गलत तथ्यों को ना, आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा ना मित्र। ये लोकतंत्र की भावना तो समझो, आप लोकतंत्र की भावना नहीं समझ रहे। खैर, तथ्य झूठ नहीं बोलते, नेता झूठ बोल सकते हैं। जोशी साहब, तथ्य जो है वो कभी झूठ नहीं होता, ठीक? जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कोई माइकल लाल झुठला नहीं सकता। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, कोई नहीं झुठला सकता। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई माइकल लाल नहीं झुठला सकता। छत से कूद जाए तो भी नहीं ना? तथ्य झूठ नहीं बोलता। वैसे एक तथ्य ये है कि इस देश के पंडित जी से लेकर और मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक बार अपने कार्यकाल में देश की निर्वाचित राज्य सरकारों को रूथलेसली बर्खास्त करने का काम किया। इसको इनकार कर सकता कोई? इससे तो सोनिया गांधी भी इनकार नहीं कर सकती, जो उनकी बहू है। लिखत पढ़त में कहां जाओगे भाग के? सच नहीं है, सच नहीं है क्या ये? केरल में जीतने के लिए आज लेफ्ट चाहिए, नम्बूद्रीपाद की सरकार किसने बर्खास्त की थी? कहां जाओगे? तथ्य तो झूठ नहीं हो सकते मित्र। प्रशांत पटेल गलत बोल सकते, रत्नाकर सिंह गलत बोल सकते, अमिताभ अग्निहोत्री गलत बोल सकते, तथ्य तो गलत नहीं बोलेंगे ना? इस देश में सर्वाधिक बार, मैंने 2 उदाहरण दिए, राम सुंदर दास का दिया, इंदिरा जी ने उनको भी टेलीफोन किया, उन्हें कहा हम बर्खास्त होने को तैयार है मैडम, ये नहीं करेंगे। भजन लाल ने कहा मैडम आपको हमारी कसम आदेश करो, वो हो गए। वो वहां लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र था? चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देना रातों रात, ये लोकतंत्र है? आपने देश में इमरजेंसी लगाई, बोले ये लोकतंत्र है। 19 महीने लोग मीसा DIR में बंद रहे, बोले लोकतंत्र है। गजब बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जजों के वरिष्ठता के क्रम को पलट दिया, विश्व भर में आलोचना हुई, HR खन्ना को आपने डिमोट किया, ये इंदिरा गांधी का किया हुआ था कि नहीं था? ये इसलिए जब भी बोलिए ये देखिए, एक उंगली दूसरे पर उठाओगे 5 अपनी तरफ आ रही है। कांग्रेस तो खास तौर पर उसने चूंकि सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, लोकतंत्र के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ के आरोप इसलिए कांग्रेस के खाते में है। उनसे कांग्रेस के आज के वक्ता प्रवक्ता भाग नहीं सकते, वो कुछ कर ले बच ही नहीं सकते भाई। रिकॉर्ड है कितनी बार श्रीमती गांधी ने विपक्ष की सरकारों को भस्मीभूत कर दिया, बोले ना या तो कांग्रेस की सरकार रहेगी।